तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 4, 3, 2, 1 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को किस तरह बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये कोई सोल्यूशन आज समझ में आ सके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का जो सोल्यूशन करें हर चैप्टर का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। हमको कहता है कि यदि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 यहाँ दिया हुआ है कि नहीं। इसका मतलब है कि हम पहले जानते हैं यहाँ पे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं मेरा इसका जो मान होता है वो होता है b/h। क्या होता है? b/h होता है। इसका मतलब मेरा क्या होता है कि संलग्न भुजा बट्टा क्या होता है? कर्ण होता है। अब हमको पता है कि कॉस सेक किसका उल्टा आता है? कॉस का उल्टा आता है। इस जाहिर सी बात है कि जब सेक कॉस थीटा बराबर b/h होगा तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? बड़े सेक थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या होगा? h/b है ना, जस्ट इसका उल्टा होगा कि ना, हम पहले बता चुके हैं। तो मेरा मतलब मेरा यहाँ पे संलग्न भुजा और यहाँ पे कर्ण हमको दे दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करें। मतलब सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना होता है। सर, सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या? मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सब जितना भी है सबको मान निकालना। अब सबका मान निकालने के लिए हमको इसमें क्या दिया हुआ? सिर्फ हमको b और h का मान पता है। मतलब b और h का मान पता है, हमको क्या p का मान नहीं पता। तो हमको पहले क्या करना होगा? हमको p मतलब सम्मुख भुजा का मान ज्ञात करना होगा ना। तो पहले इसको कैसे हल कीजिएगा देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब कि वीडियो को पॉज मत करिए, छोड़ छाड़ के मत जाइएगा ना तो फिर समझ में आएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा हल, क्या लिखिएगा यहाँ पर लिखना हल। उसके बाद आपको हम पहले बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज मान लेना है हर क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है। तो क्या माना यहाँ पे? माना, आप यहाँ पर लिखिएगा माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा तो उसके लिए माफ कीजिएगा, इसलिए बोल बोल को लिख रहे हैं। ठीक है, बोल बोल के हम लिख रहे हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जहाँ क्या एंगल बी जो है वो क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एंगल बी कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। और क्या यहाँ पे? और एंगल सी एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। ठीक है, एक न्यून कोण आपको इतना मानना है। ठीक है, आपको इतना मान के चलना है हर क्वेश्चन में, जैसा टाइप में इस टाइप में क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई हमको यहाँ पे मानने हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज पारेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है माने, कोई दिक्कत? ए बी सी माने ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। तो याद रखिएगा, जब भी हम बी क्या माने 90 डिग्री, तो बी हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ए मानिएगा तो ए परपेंडिकुलर होना चाहिए, सी मानिएगा तो सी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से तो हम बी क्या माने थे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की जगह पे इसको दे दिए। अब हमको क्या ज्ञात क्या करना है? हमको दिया हुआ क्या भाई? हमको यहाँ सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ? 13/12। मतलब हमको यहाँ क्या दिया हुआ? एच और बी हमको दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा? दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा दिया गया है। क्या दिया भाई? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ? 13/12 यही दिया हुआ ना, 13/12 हमको दिया है। तो हमको अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 13/12 दिया होता है, पहले बताइए सेक थीटा का मान क्या होता है? b/h यही होता है? नहीं, ये होता है कॉस का। किसका होता है? ये कॉस का होता है। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। इसका मतलब जो है कि मेरा सेक का क्या हो जाएगा? h/b। मतलब h/b बोले तो ये सब कर्ण, तो कर्ण इसमें कौन हो जाएगा? ये इसका मतलब कर्ण हमको कितना दिया हुआ? 13। ठीक है, अब बी हमको कितना दिया? मतलब बी क्या है? सम न्यून कोण क्या है इसका? सी है ना, ये तो माने थीटा माने, न्यून कोण सी है, क्योंकि न्यून कोण हम यहाँ पे सी माने तो थीटा माने। तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा। और इसके नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा। तो हमको बी क्या है? संलग्न भुजा दिया हुआ, मतलब हमको 12 यहाँ पे संलग्न भुजा हमको दे दिया। कोई दिक्कत? हमको निकालना क्या भाई? सम्मुख भुजा पी निकालना। तो पी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आप पाइथागोरस भी लिख सकते हैं या हम लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिएगा हम लिखेंगे हम जानते हैं। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। ठीक है,
हम जानते हैं क्या जानते भाई कि एच स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। एच स्क्वायर बराबर जानते हैं कि सम्मुख भुजा का स्क्वायर प्लस मतलब संलग्न भुजा का स्क्वायर ठीक है। अब ये तो जानते हैं भाई जिसका मान पुट करना है तो भाई हमको निकालना क्या है पी ज्ञात करना है हमको सम्मुख भुजा ज्ञात करना होता है पी हमको ज्ञात करना पी को हम अकेला करेंगे है कि नहीं तो पी को यहाँ पे अकेला कीजिएगा तो यहाँ पे किया पी स्क्वायर बराबर हम एच को जो करते हो रखेंगे ठीक है एच स्क्वायर। अब ये बी क्या होगा एच के इधर आ जाएगा ये बराबर इस तरफ तो प्लस में तो इधर आएगा क्या होगा माइनस में तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे पी स्क्वायर को जो करते हो रखेंगे छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसको एच का मान कितना बोले 13 यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस बी का मान कितना बोले 12 यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर समझ रहे बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे भाई हमको इतना लिख लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको दोनों का क्या स्क्वायर करेंगे घटा देंगे तो यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है पी स्क्वायर बराबर 13 का कितना 159 आता है 69 ठीक है और माइनस इसका जाता है 144 आता है ठीक है। अब इसको जो घटाइएगा ना तो पी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा इसको जो घटाइएगा तो 25 आ जाएगा ठीक है 25 आएगा। अब हमको क्या करेंगे यहाँ पे कि पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर बराबर मेरा क्या निकला 25 बराबर सर ना पी स्क्वायर बराबर 25 आया है कि ना। अब ये स्क्वायर को क्या करेंगे बराबर के उस तरफ रख देंगे ठीक है तो स्क्वायर जब ये बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा रूट चढ़ाता है आपको पता ही होगा तो यहाँ पे पी अकेला हो जाएगा स्क्वायर इसको क्या करेंगे उधर जाके रूट चढ़ा देगा। अब आप सभी को पता है कि रूट 25 का कितना निकलता है 5 निकलता है तो पी बराबर मेरा कितना निकल जाएगा बोले 5 इसका मतलब मेरा ये कितना आ गया 5 ठीक है ये मेरा 5 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है सभी त्रिकोणमिति अनुपात हमको यही ज्ञात करना था ये हमारा ज्ञात हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना सभी त्रिकोणमिति अनुपात हमको तो यहाँ पे पी निकल गया हमको सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना था हम पहले बता दें क्या होता है साइन होता है कॉस होता है टेन होता है कॉट होता है सेक होता है कॉसेक होता है ठीक है तो हम सबका लिख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे होता है साइन थीटा। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप अब ठीक है अब यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई पी बट्टा एच होता है कि मतलब सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण होता है। अब कॉस का क्या होता है कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है मतलब संलग्न भुजा बट्टा कर्ण होता है अभी जस्ट बताया है ना। और उसके बाद होता है टैन थीटा का मान तो टैन का मान क्या होता है भाई तो टैन का जो मान होता है वो होता है पी बट्टा भी मतलब सम्मुख भुजा बट्टा संलग्न भुजा ठीक है। अब इसका मान पुट करना तो भाई यहाँ पे इसी जगह मान पुट करना जस्ट इसका उल्टा कर देना तो यहाँ इसका मान क्या होगा भाई तो पी हमको कितना दिया 5। अब बोलेगा भाई अभी तो 3 को बताया था त्रिकोणमिति अनुपात आप 6 को बताए थे आप 3 को लिखे तो पहले बता रहे कि 3 को होता है ना 3 का जस्ट 3 उल्टा होता है मतलब कि साइन जो होता है वो किसका उल्टा होता है कॉसेक का सॉ कॉस जो होता है वो किसका होता है सेक का और टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है ठीक है। आप और साइन का निकालते हैं तो कॉसेक का आपको पता चल जाएगा है कि ना तो साइन का क्या पी बट्टा एक्स मतलब पी का मान कितना होगा मेरा 5 बट्टा एच का मान कितना 13 इसीलिए यहाँ पे कॉसेक का मान कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा बोले इसका उल्टा है कि ना तो 13/5 तो कॉसेक का कितना हो जाएगा 13/5 ये हमारा निकला 13/5 ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा राइटिंग तो माफ़ कीजिएगा ठीक है 13/5। अब यहाँ बताइए कि कॉस का मान कितना है बी बट्टा एच मतलब संलग्न भुजा कितना है 12 अब बट्टा एच का कितना दिया है 13 मतलब कर्ण हमको 13 दे दिया। अब जाहिर सी बात है हमको कॉसेक पहले सेक्स पहले चलते कॉस किसका उल्टा है सेक का उल्टा होता है तो यहाँ लिखिए सेक थीटा बराबर पहले इसका उल्टा कर दिया तो 13/ क्या होगा 12 हमको यही ना दिया हुआ था 13/12 हमको तो ये तो चीज़ दिया हुआ था तो मतलब पहले हमको दो का तमान पहले निकला हुआ था कॉस का और सेक का है ना हमको निकालना था चालू होता। अब यहाँ टैन का होता पी बट्टा बी तो पी का मान कितना बोले 5 अब बट्टा बी का मान कितना बोले 12 ठीक है बी का मान कितना निकला 12। आप इसको मान सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं कि एच बराबर 13 हो गया पी बराबर 5 हो गया और बी बराबर कितना हो गया एच समझे इस तरह बी बराबर आप 12 मान सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत कन्फ्यूज हो जाए तो मान लीजिएगा ठीक है। आप टेन किसका होता है कॉट का उल्टा होता है इसका मतलब ये इसका उल्टा कितना कॉट यहाँ लिखिएगा कॉट थीटा बराबर 12 यहाँ टेन का क्या था 5/12 तो कॉट टेन का उल्टा होता है टेन का उल्टा कॉट होता है 12/5 ठीक है। सो इसी तरीके से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं है कि नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हर वीडियो में दो दो का सोल्यूशन करते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा देखिए 6 नंबर क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं अगर अभी तक इसको नहीं उतारे तो उतार लीजिए और हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में ठीक है। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करने वाला ठीक है आपको प्रूफ करना है ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि यदि
तथा यदि एंगल ए और एंगल बी, मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण हो, मतलब न्यून कोण पहले बता चुके, न्यून कोण होता है ना, न्यून कोण एंगल जो होता है त्रिभुज में न्यून कोण होता है, जिसके सामने लघु भुजा क्या होता है, सम्मुख भुजा, इसके नीचे लघु भुजा, संलग्न भुजा होता है, वो जो होता है कर्ण रहता वही रहता है, ठीक है। तो जहाँ न्यून कोण है हो, जहाँ कॉस क्या बराबर है, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ठीक है। तो पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे एंगल ए एंगल बी न्यून कोण, इसका मतलब दो त्रिभुज की बात हो रही है, इसका मतलब हमको कि पहले दो त्रिभुज मानना पड़ेगा, ठीक है। दो त्रिभुज मानने के बाद हमको दिखाना है कि एंगल ए बराबर किसके है, एंगल बी के बराबर है। तो अब भाई एंगल ए बराबर एंगल बी के, तो मतलब एंगल ए एक न्यून कोण है, एंगल बी भी एक न्यून कोण है, तो हमको दो त्रिभुज सबसे पहले आपको मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखना है हल, ठीक है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे माना कि दो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज, देखते रहिएगा तब समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, मतलब मेरा बचा हुआ क्या है, सी बचा हुआ है, हमको क्या मानना है, सी क्या मानना है, 90 डिग्री मान लेना, ठीक है। तो एंगल सी जहाँ, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ हमको देखना है कि एंगल कौन खाली एंगल, ठीक है, जो खाली एंगल होगा ना उसी को हम 90 डिग्री मानेंगे, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे सी जो है होगा मेरा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और जब यहाँ पे दो त्रिभुज की बात हो रही है ना, यहाँ पे लिखिएगा और, देखते रहिएगा, और यहाँ पे एंगल ए और डॉट भी मान सकते हैं, एंगल ए एक न्यून कोण है, और एंगल बी भी क्या है, न्यून कोण है, एंगल बी एक न्यून कोण, इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंगल बी भी क्या है, न्यून कोण है, कोई दिक्कत, मतलब दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज में एक त्रिभुज में एंगल ए न्यून कोण है, एक त्रिभुज में एंगल बी न्यून कोण है। तो हम पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लिख लेंगे, यहाँ पे दो त्रिभुज पाड़ेंगे, देखिए एक त्रिभुज पाड़ेंगे, सबसे पहले बात कि एंगल दोनों के लिए एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों के लिए एंगल सी क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, आवाज़ इधर उधर की आती है तो उसमें फोकस ना करें, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज लेंगे, एक और त्रिभुज मानेंगे, दोनों में क्या एंगल सी 90 डिग्री माने, इसका मतलब एंगल सी दोनों में क्या 90 डिग्री माने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एंगल ए एक न्यून कोण है, मतलब एंगल ए एक न्यून कोण, ए वो इसका न्यून कोण मानेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखना है, बी लिख देंगे, कोई दिक्कत है, इसमें क्या मानेंगे, इसको बी मानेंगे न्यून कोण, यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए गौर से, अब हम यहाँ पे तो लिख लिया, हमको दिया हुआ क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दिया गया है, दिया हुआ है मेरा, यहाँ जो दिया गया वो कि दिया हुआ है कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के, कॉस ए किसके बराबर, कॉस बी के। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस ए को मतलब कि हमको यहाँ पे एंगल निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर क्या जानते भाई, सम्मुख भुजा बट्टा संलग्न भुजा बट्टा क्या होता है, कर्ण। इसका मतलब कि साइन को हम क्या जानते हैं यहाँ पे बट्टा, हम साइन को क्या, कॉस को क्या जानते हैं, बी बट्टा एच, ये जानते हैं ना। तो भाई किसके लिए, एंगल न्यून कोण के लिए, न्यून ये वाले त्रिभुज के लिए, क्या एंगल यहाँ पे क्या ये है ना, इसका मतलब न्यून कोण मेरा इसके, ये न्यून कोण है, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज में ये काम करेगा, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज में ये काम करेगा, तो एंगल बी क्या है, बी बट्टा एच होता है इसका, तो बी बट्टा एच, यहाँ देखिए इसके सामने हो जाएगा क्या, पी हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पे लिखना है इसको ए सी, अब बट्टा एच क्या हो जाएगा, एच यही होगा ए बी, तो यहाँ पे एच क्या होगा मेरा ए बी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस बी के लिए, अब आ जाइए किसके लिए, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस बी बराबर, तो जाहिर सी बात है कॉस बी रहे या कॉस ए रहे, मान तो वही होगा बी बट्टा एच, खाली यहाँ पे मेरा इसका ये बदलेगा, ठीक है, इसके हिसाब से न्यून कोण का यहाँ पे हम मान लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे बी बदलेगी, बी क्या न्यून कोण है, इसका ई वाला त्रिभुज में आ जाइए, तो ये सामने लग जाए क्या होगा, सम्मुख हो जाए, तो मेरा क्या चाहिए, संलग्न हो जाए, मतलब बी बी सी है ना, यह बी है यही ना, तो बी सी यहाँ लिखिएगा क्या, बी सी बट्टा, आप क्या लिखिए, एच क्या है, ए बी, एच ए बी है ना, ए बी लिखिए, ठीक है। इक्वेशन इसको क्या मानेगा, सेकेंड, ठीक है।
अब दोनों समीकरण को बराबर करने पर एक बात बता दूं कि अगर दो त्रिभुज में एक भुजा बराबर हो जाते हैं तो एंगल जो होता है दोनों का न्यून कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको क्या करना है, दोनों में से कोई, दोनों त्रिभुज में से कोई एक भी भुजा अगर दोनों में से बराबर होगी आपको एक भी भुजा तो समझ जाइए न्यून कोण जो होगा वो क्या होगा, उसका बराबर होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, अब दोनों समीकरणों को क्या करना है, बराबर करने पर। यहाँ लिखिएगा समीकरणों को, मान लीजिए आप लिख लीजिएगा, ठीक है, समीकरण को नहीं तो आप ये मत लिखिए, ठीक है, आप ये लिख दीजिए समीकरण क्या दिया यहाँ पे, देखिए हमको यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे कॉस ए बराबर किसके, कॉस बी के, तो यहाँ पे ये लिख दीजिए कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी, कोई दिक्कत। अब हमको दिया हो तो भाई हमको एंगल मतलब यही निकला है, समीकरण को क्यों बराबर कर, ठीक है, आप इसी को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस ए का क्या मान, कॉस ए क्या निकाले, ए सी निकाले ना, ए सी बट्टा ए बी यही निकाले ना, अब बराबर। अब यहाँ कॉस बी क्या निकाले, कॉस बी जो निकाले ए सी बट्टा ए बी मतलब सॉरी बी सी बट्टा ए बी, तो यहाँ लिख दिया बी सी बट्टा ए बी, कोई दिक्कत। अब देखिए इस ए बी को उठाकर उधर ले जाइए, ठीक है, आप ए बी कोंटा कोंटी गुना जानते हैं ना, कोंटा कोंटी जो गुना होता है ए बी को उठाकर उधर ले जाइए, तो हम यहाँ पे क्या लिखिएगा ए सी बराबर बी सी, आइए उधर ऊपर चला गया तो गुना हो गया, इसका मतलब ए बी बी सी गुने ए बी बट्टा क्या लिख सकते नीचे में ए बी इसका तो है ये वाला, तो ये ए बी कोई दिक्कत है ना। अब ये ए बी तो कैंसिल हो गया ना, तो मेरा क्या हो गया ए सी बराबर है किसके, बी सी के, मतलब यहाँ पे ए सी जो है बराबर किसके है, बी सी के, मतलब मेरा एक भुजा बराबर हो गया। तो जब ये इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है कि एंगल ए और एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, है कि ना, तो इसीलिए एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल बी के। हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, हमको यही प्रूफ करना था। तो इतना ही है, छठा नंबर क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, सातवां और आठवां देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने थे, अभी तक मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन आप हर चैप्टर का बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।